किसानन के, आईपीएस किसानन के, और ये जो ऊपर बैठे हैं ये सब किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री किसान के बेटा है, चौधरी चंद सिंह किसान के बेटा है। जब चाहे से हमारा देश में प्रधानमंत्री बन सके तो किसान को होली मिला घूम सके, आप बता रही कमाल कर रहे हैं, सब आतंकवादी बता रहे हैं। एमएसपी सही करें, देश में रोजगार लाए, शिक्षा को आगे बढ़ाए, दलिया खाने बंद करें, ये जो 2-2 किलो दलिया दामन में बट रहा है स्कूलों में बंद करें, बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए और उसमें अच्छा स्टाफ रखे, ये काम भारत सरकार करे। यार जब एक बात बताओ, देश में 70% लोग अशिक्षित रह जाएंगे, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है इनमें, ये बेकार बेकार के नेता कुर्सी पकड़ते रहेंगे। अरे शिक्षा को लेके आ, रोजगार भारत में नहीं मिलेंगे तो विदेशन में बहुत, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या दिल्ली के बराबर है, भारत के 3 हिस्सा खाली पड़े, वहां में इतना बड़ा देश है, खूब मिलेगा रोजगार, मिलेगा तो भाई ये जो नाम लिख दो जाने, जो ऑस्ट्रेलिया लिख लो ना जाने, वहां कैसे मिल जाएगा भाई। अब तुम पूछोगे जी पढ़े लिखे ने रोजगार वहां है ही का, तुम्हारे गूगल को सीओ सुंदर बचाइए, रोटी IIT से बीटेक पूछ लियो जाके, ज्ञान नहीं कोई ढंग नहीं, वैसी भाग रहे अंधाधुंध भाग रहे। और जब देश में भैया अशिक्षित रहेंगे तो ऐसे ही भोले भाले ने बहका के जय जयकार हुई, पढ़े लिखे कोई पूछा ही ना भाई, पढ़े लिखे किसान लग रहे होता हूँ हम तो। कौन किसान अनपढ़ है ही कौन, जो भी IAS किसानन के, IPS किसानन के, और ये जो ऊपर बैठे हैं ये सब किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री किसान के बेटा है, कहाँ से आए, चौधरी चंद सिंह किसान के बेटा है, इतने जवान खड़े पढ़े लिखे किसान लग रहे हैं और खेती पागल आदमी कर ले, कैसी बात है भाई इनकी, इनके सब्जी अलग है। कुछ फोटो जो है वो वायरल हो रहे हैं, फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो और मतलब ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और उसमें पीछे लिखा हुआ है भारतीय किसान यूनियन। हाँ। लोग जो है प्रचंड ये कह रहे हैं कि इस तरह के किसान जा रहे हैं, जो बोलते हैं कि गरीब है, ओडी वाले किसान, ओडी वाले यार यूरोप में झाड़ के किसान अनुभव हो रही है, या अगर 2-4% अनुभव होगी तो कौन सी आफत है। जब चाय बेचने वाले देश में प्रधानमंत्री बन सके तो किसान को ओडी में ना घूम सके, आफत आ रही है, कमाल के आदमी हो यार, ऐसी बातें लाते हो घूम के, कंप्लेन बनवाए हैं लेकिन सरकार कितने का किसान ना है। और कौन है ये तो आगे किसानों का हेलीकॉप्टर नहीं, वो तो खैर देश को जहाज है उनको नहीं है कि राजनीतिक दल जो है, जो विपक्ष है वो बरगला रहा है किसानों को, मतलब राजनीतिक दल कहते ना आज आवे ना, हमारे नहीं कहते आवे ना, कई कहते ना आवे हमारे ना, तो हम कांग्रेस के बंधुआ मजदूर ना इनके, सही बात कहेंगे, सही अपनी बात मनवाएंगे, हमारा शोषण ना कर सके ये, बेका के बरगरा के डरा के क्या करेंगे भाई, हमारे ही बालक तो यह देश रखा रहे हैं ऊपर, हमारे ही बालक भीतर सामाजिक व्यवस्था बना रहे हैं पुलिस में, हम ही ना रोटी खवा रहे हैं, रात को यह सोते रहे, हमारे बालक डंडा लेके इन्हें रखाते रहे, वो अडानी के बालक ना है। राजनाथ को बताइए कौन सा छोरा लग रहा हो पुलिस में फौज में, मुझे बता दो, हमारे ही बालक रखा में, हम इन्हें खवा में और इनके जूता झेले, ये कौन सा तरीका भी है, हमारे से हमें पिटवा में तुम्हारी मीडिया कुछ बोलने को तैयार ना है। एक बात बताओ, मेरी 80 साल की माँ ने पोलिंग बूथ पर जाकर मोदी ने वोट दी, मैं जिम्पिंग जाके करूँ अपनी मांग की बात, के भाई मेरी मांग पूरी करो, हमें न्याय दो, जिम्पिंग मांगू जाकर, मुझे जवाब दीजिए आप, 80 साल से ज्यादा उम्र है मेरी माँ, और ये कही कि ये बता भैया मोदी को निशान कौन सा है, उन्हें बीजेपी की भी पता नहीं, बहुत शर्म नहीं आ रही है वहाँ बैठे बैठे, ने भरोसा तोड़ा है, बहुत कमाल कर रहे हैं ये, सब आतंकवादी बता रहे हैं ये, हम आतंकवादी हैं हम तो, ये हम आतंकवादी कहेंगे, हमें कहेंगे लीडर नहीं है ये, कह रहे पैसे लेकर आए, कौन से पैसे लेकर आए, तो यहाँ पे तो दबा दे इन पैसे जो कह रहा है हमें, तू 15-15 लाख पुराने नहीं दबा दे यार, नहीं की तो बात छोड़, हमारा खर्चा पड़ा मोदी का, चलो ठीक है, गन्ना का पेमेंट मिला ना, अरे भैया पेमेंट ना, सातल को देश घेर दियो, मोदी जी से क्या डिमांड रखते हैं, किससे, MSP सही करें, देश में रोजगार लाए, शिक्षा को आगे बढ़ाए, दलिया खाने बंद करें, ये जो 2-2 किलो दलिया दामन में बट रहा है स्कूलों में बंद करें, बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए और उसमें अच्छा स्टाफ रखे, ये काम भारत सरकार करे, स्कूल की जगह गौशाला बन रही है और रोजगार की जगह, अजी हम ये कहें गौशाला बनवाओ या खराशाला बनवाओ, बनवाते रहो, हमें मतलब नहीं है, हमें अपने काम से मतलब है, गौशाला से कोई मतलब, यार जब एक बात बताओ, देश में 70% लोग अशिक्षित रह जाएंगे, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है इनमें, ये बहका बहका के नेता कुर्सी पकड़ते रहेंगे, आपको एक ही मांग उठानी चाहिए कि भाई रोजगार तो दे दो, सरकारी जगह खाली, संविधान पे बालक लगे पड़े, ऑफिस में चले जाओ, जाओ जाओ यहाँ कैमरा लेके, संविधान पे बालक
रख सब ऑफिस में जितने भी राज्य सरकार के ऑफिस है। तो आपको रोजगार चाहिए, मंदिर चाहिए? किसे आपको कुछ ना चाहिए? मंदिर चाहिए, मंदिर तो भतेरे बने पड़े हैं, आप बता रही है मंदिर की। तो सरकार से पूछो यार जाके, हम तो क्यों पूछ रहे हो? सही बात है भाई, सरकार से पूछो ना जाके। रेलवे में इतना कबाड़ा पड़े हुए, अगर रेलवे को टोटल कबाड़ बेच दिया जाए 20 साल भारत रोटी खा लेगा, क्या जरूरत थी रेलवे को निजीकरण करने की? नहीं, बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि ये जो गुट कर रहे हैं, जो किसान का विरोध कर रहे हैं, ये गुंडे हैं। गुंडे बारे में क्या कहेंगे? अब गुंडे तो कह लगो उन पे लाइसेंस होएगा, हमारा गुंडागिरी को हम पे तो है ना। तुम क्या कह रहे हो मामले में, तुम अपनी बता जाओ। तुम्हारी निगाह में क्या है? हम अपनी बताओ, तुम अपनी बताओ पहले। हमारे निगाह में किसान, फिर तुम गुंडान में क्यों आए गए? तुम्हारे कैमरा छिन जाए, जेब कट जाए, बताओ। गुंडान में जाओगे तो यार तुम्हारे मामलों को लुट जाएगा, हम तो लुटे रहे। तो हम तो उनकी बात बता रहे हैं कि वो आपको गुंडा चिन्हित कर रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, वो तो कुछ भी को, अब वो तो कोई अनार पल्ले पड़गा उनके, कुछ बकते रहो बैठे बैठे, अभी तो बकेंगे कई साल। सर, सरकार ये कह रही है कि जो असली किसान है अपने खेतों में काम कर रही है, और जो किसानी नहीं करते हैं वो आके रोडों पे अपने, जो असली नेता दुबके पर है, जो नकलियां राज कर रहे हैं, हमने कहते ही क्या मतलब यार चीज से? सरकार कह रही है आप हाईलाइट होने आए हो मीडिया के सामने। काय के मीडिया के सामने, 500 रुपया का तो मोबाइल है, मोबाइल रो और खेती करूं, मेरा हाईलाइट तो काले नो देनो देनी थी और क्या, वो वोट लेनी है चुनाव लड़ने है, वो फोन भी आ रहे हैं, फोन आएगा नहीं और। चाचा ये करना कि जैसे किसान आ रहे हैं तो सर रोडों पे गड्ढा खुदवा दिया जा रहा है, मतलब और करेंगे भी कहा इन पे, और सौदा है कच रोड तो बंद, लट बजवाने गड्ढे खुदवाने और कुछ है इन पे। अच्छा, मोदी जी ये कहते हैं कि जो किसान 70 साल से गुलामी झेल रहे था वो आजाद हो गए हैं। अच्छा, अरे वाह मेरे शेरो, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, आजाद हो गए हो किसान, तो आजाद तो कहीं भी जा सके, अब हम दिल्ली जा रहे हैं, आजाद तो हो गए हम, याद हो गए जाने तो फिर दिल्ली। भाई जब हमारी बेड़ी खोल नहीं मोदी जी ने, तो अब दिल्ली क्यों ना जान दे रहे, आजाद तो कहीं भी घूमे, रास्ते तो खोले में आप जा नहीं रहे, कहाँ खुल रहे हैं? बुराड़ी के लिए, बुराड़ी के लिए, बुराड़ी क्यों जाए भाई, हम जंतर मंतर पे क्यों ना जाए? जंतर मंतर काई के बाबा की जगह, पूरे देश की जगह है, आजादी थोड़ी ना मिलती, आजादी मिलेगी कमाल कर दियो यार भाई, इन्हें चुन के सरकार, हमने बुलाड़ी बुलाड़ी पर थोड़ी बैठाई थी, दिल्ली में बैठाई ना, दिल्ली में जाएंगे आप जगह कौन सी चाहते हैं? अरे हमें तो मोदी जी हमें अपने घर पर बुला ले, हमारे तो प्रतिनिधि मंडल है, चाहे हमें और हमारी बात मान ले, हम जयकार कर देंगे, हमें कोई जगह नहीं चाहिए। एक बात बताओ यार, जब इन्हें वोट लेनी हो तो हमारी भेसन पे भी हाथ फेरा हमें, हम याद आया कि चुनाव से पहले कई नेता ऐसे थे जो खेतों में खुद घास काटते हुए देखे गए थे, अब किसान के बारे में क्या नहीं, तो मतलब को तो कलाब आप बना लो, आपको मतलब तो है ना, मतलब लेकर जाए जूते मारो, ठीक है।